देख नहीं पाएगा। इंतजार कर रहे थे हम आप लोगों का, लेकिन आप हैं कि आते ही नहीं है। नैना तरस गए हमारे आपके इंतजार में। अब आ ही गए हैं तो आरंभ करते हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों एंड माय डियर दिलदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सोडस का धमाकेदार एपिसोड, जहां पे इस टनल को हम पार कर चुके हैं, इस स्टेशन को, मेट्रो को, और अब इस बोर्ड के सहारे हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो। इंतजार किस बात का है? इस बोट की जो लाइट है वो ओके, ग्रेट, अब ठीक है। एटलीस्ट मैं अपनी लाइट यहाँ पे नहीं लेके जाऊंगा, ये लाइट अलग ही है, थोड़ा सा माहौल बनाती है। सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है कि हम जो शहर मैप पे दिख रहा है काफी दूर है लोकेशन, वो इससे काफी कवर हो जाएगा। आपकी बाइक में होते ना दो तरह की लाइट्स, एक नजदीक के लिए, एक दूर के लिए, ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ओके, कुछ है पानी में सामने। ये बोट घूम क्यों नहीं रही है? एक सेकंड रुकिए जरा। सो मेरी लाइट्स भी कुछ ऐसा ही काम करेंगी। ये जो सामने टंगा हुआ ये नजदीक के लिए है, और अगर दूर देखना हुआ तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, काफी खतरे थे पहले वाले एपिसोड में, इसे निपट चुके हम, और एक बेहतरीन जगह की तलाश में हमारे जो ससुर जी हैं मिलर साहब, वो रुक चुके हैं पहले ही। क्या कहते हो आप, सर्च करना चाहिए एरिया कि हम आगे बढ़ जाएं यूं ही? करना बॉय, ओ बॉय, जल्दी जल्दी उठाओ, निकलो यहां से। इसको सॉल्व करके निकाले या फिर चला जाए, पर देखो पहले अंदर है क्या। Come on, baby, jump, यार। एक बात अच्छी है कि यहां से निकलने में दिक्कत नहीं होगी। चलो 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 चलो, कमल 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 कमल, बोट पे नहीं आ पाएगा। बढ़िया, आ सकता है, मार सकता है वो, आगे बढ़ो। इन कॉम्बैट बहुत ही भयानक हो चुका है। ये पहले मेट्रो स्टेशन है, पता आपको, मतलब मेट्रो का जो नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो होता है वो है ये एरिया, लेकिन इसकी हालत देख रहे हो आप। अब मैं सेव कर सकता हूं, थैंक यू सो मच। ठीक है, खड़ा हो, पहुंच जाएंगे। बगल में एक तिजोरी है, बट जब तक इसे कोई डैमेज खास नहीं मिलता, यहां रुकने का मतलब नहीं है।
या आई नो ओके डैमेज मिल रहा है। चलो 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 जिसने अपनी एक हल्की सी झलक दिखाई थी जो शैतान था भी सामने शायद उसे पाला पड़ सकता। ये लाइट को देख के भाग रहे नहीं ऑलमोस्ट देयर आगे पा ट्रिफिकेशन बहुत कुछ पानी में घूम रहे हैं अंदर आके मुझे रुकना चाहिए अब मैं आगे शिट इजी डाउन बाबा एक मिनट रेडिएशन है क्या यहां पे टला नहीं है अभी क्या बात हुई ये मेरी बोट थी यहां से मैं ऊपर आया हूं ठीक है उस तरफ इस तरफ चलते हैं अगर रास्ता वहां से नहीं तो यहां से होगा कुछ खींच रहा है मुझे पीछे संभल के आराम से कोई बात नहीं टेक इट इजी कुछ खींच रहा है बल्कि उस पर हमला कर रहा है इसी जिसे जिसमें मैं इस वक्त हूं जहां पे उस पर हमला कर रहा है वो
क्या था ये इन मौके पे? एक टेबल मिल जाना जहां पे मैं अपना थोड़ा जहां पे खुद को थोड़ा सा संभाल सकूं ना हेल्थ वेल्थ के लिए और रिपेयर कर सकूं तो बेहतरीन, मजा आ जाएगा फिर। क्योंकि डाउन बाबा, सिर्फ दो ज्यादा गोलियां बची नहीं है इसमें, अब खत्म होने वाला है ये। फाइनली वेट शेक, शिट, मैंने कि एक चीज गलती कर दी शायद यहाँ पे। रिपेयर पूरी तरह कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो हुआ। बढ़िया नाइस वन, जिसकी तमन्ना थी सामने वही मिल जाए फिर तो मजा आई, क्या ही बात, मतलब चलो आ जाओ। परफेक्ट, सब कुछ रिपेयर हो चुका है, बुलेट्स फुल हो चुकी हैं और अब हम यहाँ जाने को तैयार हैं। दमदार, क्यों बुलेट वेस्ट कर रहा है इन पे? ग्रेट, अबोर्ट, शिट, वो, इजी पीजी, लेमन चीजी। ये क्या रिलोड क्यों हो रहा है ये? चलो आ जाओ। ओह फाइनली, चलो चलो चलो, बगल में फूफा जी तैर रहे, चलो भाग जल्दी जल्दी, बहुत सारे आ गए, रुक जाओ।
बढ़िया बुलेट नहीं इसमें, ग्रेट चलो गॉड नोस कितना दूर है अभी यहां से बाहर निकलने में। ऐसा लगता है ये मेट्रो का जो अंडरग्राउंड रास्ता है वो तो कंप्लीट होने वाला है, रोशनी भी आ रही है। क्या था? अभी भी हेलमेट रिपेयर किया था यार। ऐसा लगता है कि मेरी हालत भी खराब है, पता नहीं जो चीजें देख रहा हूं जो वहां पे है भी नहीं। लाइक लास्ट पार्ट में भूत देख रहा था, कहीं ना कहीं यार हम सभी ग्रसित हैं उस चीज से जो एना को हुआ है। हल्का फुल्का सब पे असर तो किया ही है उसने। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था अभी जिसकी उसी की बात कर रहा था, फिर से मैं रोशनी मेरी लाइट्स ऑन नहीं हो रही कुछ। ये रह रहे के क्या हो जाता अचानक से? कुछ गड़बड़ है, जो चीजें नहीं है मैं वो देख रहा हूं। आर्टियम, आर्टियम, कम ऑन, वेक अप। है ना? सही नहीं हो सकता। रेडिएशन यहां भी है तो हल्का फुल्का, मैं वहीं हूं जहां मुझे आना था बहुत जल्दी। ओह शिट, क्या अभी भी उसका असर है। ओहो
कैसी आवाज है ये? बबरे मने डर लग रही ओह शिट, थोड़ा सा माहौल अजीब सा, खतरनाक जैसा हो। ओके, मैंने मेट्रो को पीछे छोड़ दिया है फिर से। अब मुझे सरफेस पे आगे बढ़ना होगा। बहुत दूर नहीं है जहां मुझे जाना है। ओके शिट 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 वेट, रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है यहां पे, बहुत जल्दी पार करना होगा इसे। मेरा मास्क टूटा नहीं है, बस हल्का सा क्रैक हुआ। टूटा होता तो मैं रिपेयर कर सकता था उसको। रेडिएशन का असर हो रहा है मेरे ऊपर। हाँ, जल्दी बाहर निकलो तो मारे जाएंगे। पीटर सेक बॉय, मेडिकेट नहीं मेरे पास, चलो। सामने कुछ है, सामने
एक मिनट जरा देखना, देखना एक बार इस पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है वही सेम चीज है। एक मिनट मैप, ठीक ऑलमोस्ट देयर। जहां मिल सकता है वो मेडिसिन जो चाहिए है ना के लिए। ये एम्बुलेंस है शायद ना या हॉस्पिटल। ये क्या बात हुई? ओबो आराम से आ रहा। ये ना खांसने की आवाज है। जरा सा वो रेडिएशन इनहेल हो रहा है अंदर, वो उस वहां पे सांस ले रहे वहां पे तुरंत असर कर दे रहा है वो। ओ महल अंधा है शायद, ये देख नहीं पाएगा। गेट अप बॉय, शॉट। चलो आ जाओ
some beds here. Anna? कोई और वो जिंदा हो गया वापस से या कोई और है ये फाइनली मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। हजारों माइल हजारों किलोमीटर की जर्नी करने के बाद सिर्फ एक स्टेप और है मुझे। ओह शिट, कभी नहीं मरेगा, ये मर मर ही खड़ा हो रहा है। इसमें बुलेट्स कितनी है बच्ची? चार बची इसमें और, यानी कि चार शॉटगन मुझे इसको चेंज करना होगा। हाँ, क्या लिखा था इसमें? हजारों किलोमीटर जाने के बाद बस एक स्टेप और है, मुझे लैब फाइंड करना होगा। अगर कोई दवाई बचा सकती है ना को, तो ये वही जगह है लैब जो जहां मुझे देखना चाहिए, वहीं पे हो सकता है वो मेडिसिन मिल जाए, वो लैब। मेरी हालत भी खराब हो रही है यार, लेकिन मरने का चांस भी नहीं ले सकता। नॉट अगेन, नॉट अ मैं हाई डैमेज बोल्ट यूज कर रहा हूं, इसलिए डार्ब डाउन हो रहा है और वो खत बस दो और बची है मेरे पास। इस तरह तो कोई मरेगा ही नहीं यार। फिर उठ खड़ा हुआ ये। हिम्मत नहीं हार रहा है, चलते रहो। एंड नॉट अगेन, खत्म हो गई बुलेट्स। अरे यार,
मैं रास्ता भटक रहा हूँ क्या? ये नहीं, Not again. दमदारी हुई ना मर्दों वाली बात। और आजा, फाइट करेगा। आजा। I love you baby, love my shotgun। बड़े हैं फाइट करने वाले। बुलेट खत्म। नौ गोलियां इसमें बची। क्या हुआ? शिट यार, ये करंट। मैंने देखा था कहीं पे, ये रहा। कुछ पल के लिए बूस्ट करना होगा ताकि बस दरवाजा खुल जाए। खड़ा हुआ है क्या ये? फिर लिटा दूंगा इसको अगर खड़ा हुआ होगा तो। नहीं, इसमें से पहले मैं लेट जाऊं मुझे निकलना होगा यहां से। You did find it, my love. It's all right. I'm waiting for you. एक मिनट,
जी रही। ओह शिट, you're alive! Alive! I thought I was all alone again. Get up! Quick! He's asleep. Better leave them be when they get like this. It's just a straight drive from now on. He tried to teach me to drive, but he just died like this. एक एंटी रेडिएशन सीरम मेरे पास था और एक मिलर के पास। मैंने अपना पहले इस्तेमाल कर लिया था खुद को बचाने के लिए, लेकिन
Then we got to the river, through these waters and deep water. So he carried me on the shoulder. मेरी हालत फिर भी खराब हो गई थी और शायद मैं बच नहीं पाता। मिलर ने अपना वाला भी मेरे ऊपर ही। मुझे बचाया है। जान दे दी हमें बचाने के लिए। खुद को बचा सकता था वहां पे, लेकिन को मिल चुका है वो ट्रेन के आगे का हिस्सा जो बर्फ हटा सकता है, और वो ट्रेन आगे बढ़ रही है। आ रहे हैं वो सारे। Radiated badly, and I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale.
not you. We'll fix you just fine. How could this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? It will. Keep him alive for a little longer. As long as there is blood. What's his blood type? AB positive. We could give him any type. Get everyone here. Don't go to sleep, Arthur. You can't go to sleep now. Hello there, Artyom. How about we take a walk? Staying underground grew old. That's it, Stepan. You can't give more. Look! He's up! Can you hear me, Artyom? Don't you dare die on us. Just don't you dare. You've got a whole life ahead of you. And kids. So fight for it. Fight! Why did you stall? Didn't you always want to go outside? Didn't you open that airlock at the Botanical Gardens? This place is much better. This isn't your destination, Artyom. You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. Can you hear me? Give me your hand. Oh, you're burning up. Well, I hope this old man's blood will do something about that hot head of yours, eh? Come on, let's go. Okay, my friend. Time to get some quality blood in that body of yours, huh? With this, you'll be up in no time. Or I'll eat my own shoes, huh? मैं धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहा हूँ। You know, I finally feel like I belong somewhere. I am no longer an outsider. You keep us together, Artyom. You must survive for all of our sakes. Look, Artyom, Lake Baikal makes you believe real life is possible. Not the petty rat race we had back in the metro. I just have to say, you were right, Artyom. Right for wanting to get us out, bring us here. And I, the old fool, I was simply afraid. Afraid of life, as I see now. Look, he's smiling. Smiling in his sleep. He even seems to say something. It's his fever talking. He's burning up. This world is worth giving everything up for, Artyom. You were always ready, and I was too attached to my position in the rat race. I'm sorry. Sorry for what happened to Anna. Sorry for blaming you. Had I not pumped everyone up about the occupying forces, she'd never have fallen there. Artyom, I beg you, don't die. Stay with me, please. I don't want a life if you're not a part of it. Can you hear me? Look at me, Artyom. Look at me, please. Yes, about Anna. You will have to look out for her, now that I can't anymore. I don't care if you go to that ocean. Just stay with her. I'm keeping her out. She can barely stand herself, but she's ready to give all her blood to him. At least the medicine helped. It's a miracle. I have a daughter, but I also wanted a son. A really stubborn one. Just like me. Like you. I really like this place. It's so clean. I'd like to stay here. Forever.
Could you arrange that for me? And the most important thing, my time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them. Just remember that I created the Order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. The fever is subsiding. I think he's getting better. Now he needs some rest. You too, Anna. We've got hope now. We found the place I saw in my dream. That hill on the shores of Baikal where Miller took me. A clean place, just like he said. Everything around is clean. We found ourselves a home. A home at the foot of a hill, overlooking a lake. A home where we could raise our children, who will be born not in the damp and dark tunnels, but under blue sky. Oh man. Finally. A good ending, finally. Ladies and gentlemen, okay. As the ranking officer, I propose a motion to entrust the duty of commanding the Order to Artyom. काफी मेहनत किया इसके लिए. हाँ, मैंने गलतियां भी की है इसके लिए, नो डाउट, बहुत गलतियां भी की. एक जगह तो एक बार मांग चल गए थे कि नहीं, बैड एंडिंग हो जाए, जो घुस के मारते हैं. किया भी हमने, लेकिन I say it's time we perform this duty. वही है वही जो राम रची रखा. इससे पहले कि वीडियो फिनिश करूं, दो चीज आपको और दिखा रहा था यहाँ पे, ये बाद में ऐड करूंगा मैं. DLCs मेरे पास है इसके, द टू कर्नल्स और सैम स्टोरी, ठीक है, दो है यहाँ पे. इन दोनों को भी हम प्ले कर सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर, आप देखना चाहोगे तो मैं दोनों DLCs कंप्लीट करूंगा और इसको भी हम खेलेंगे आगे, ठीक है. आप पढ़ लो, देखो क्या लिखा है इसमें. विटनेस स्टोरी ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ, ये वो सैम की स्टोरी अपनी होगी, तो ये भी हम खेलेंगे. बाकी आपके ऊपर है, आप कहोगे जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है. सो कमेंट करना भूलना नहीं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आए ये सीरीज वॉच करने के लिए. अब मैं भी आराम कर सकता हूँ. दमदार था ये सीरीज, इसके एपिसोड्स, इमोशंस, म्यूजिक, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत ऑसम था. नहीं खेला अब तो ट्राई करना, एंड मैं यही कहूँगा कि जो इन्हेंस वर्जन था वो ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा. और क्या बोलूँ. अच्छा लगा, मज़ा आया, सब कुछ दमदार था, बेहतरीन था. मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, थोड़ा आराम करने के बाद किसी नए सीरीज में. तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मजे से रहिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए यार. ये जब भी मैं खेलता हूँ ना, मैं देखो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, हमें सबके आप होनी चाहिए, जो आपको अंदर से खुशी देती है. अब अकेले अकेले बैठे हो तो भी जब चेहरे पर मुस्कान होता है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ के होता है, कुछ लोग गाना गा के होता है, कुछ लोगों को डांस करके होता है, एक हॉबी रखो अपने पास, बस इतना ही कहूँगा. उसके बिना बेकार है इंसान, कुछ ही किसी काम का नहीं है. कुछ भी करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, मे बी आप पोएम्स लिख सकते हो, मे बी आप जो भी आपको पसंद हो, आपको पता है कि आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, हॉबी सबके अंदर होती है, बस कुछ लोग नहीं समझ पाते, उसे छुपा लेते हैं, कुछ लोग लगता है कि ये मेरी हॉबी, खोजना पड़ता है, वक्त लगता है लेकिन समझ में आता है. उसको उस पर काम करो, उसको निखारो, खुश रहो बस, जैसे भी रहना चाहो, क्योंकि दुखी होने के रीज़न हज़ारों हैं यार, खुश होने के बहुत बहुत कम है, बहुत कम. तो उसी थोड़े को अच्छी तरह पकड़ के रखो, छोड़ो मत, जाने मत दो उसको. अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा संगत रखो, मस्त लाइफ जियो, ठीक है, चलो. और बैटलिंग से मिलते रहो. खुश रहोगे, मज़ा आएगा. चलो ठीक है, इस सीरीज को देखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. लाइक वाइक किया हो, डिसलाइक किया हो, जो भी आपने विजिट किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. मिलता हूँ, लव यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय.